अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैंने अपना चैनल एन मुगल के नाम से स्टार्ट किया है। वी होपफुली आपको रेसिपीज़ इसमें मैं शूट करूंगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। आप लाइक और शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ दही फुल्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने पहले बहुत से चैनल पर इसे देखा होगा, तो मैं आज आपके साथ अपने तरीके की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 पाव बेसन है, और इसके लिए मुझे स्पाइसी ज़रूरत है। ये सॉल्ट है, ये रेड चिली है, मसाला मिक्स है, और ये हैं जी ब्लैक पेपर और ज़ीरा है, और ये मीठा सोडा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसमें डालना है 1.5 स्पून सॉल्ट के। उसके बाद आपने लेना है ये रेड चिली मसाला। ये आपने थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद ये ज़ीरा जाएगा इसके अंदर सफ़ेद, और ये काली मिर्च जाएगी। ये 1 टेबलस्पून से मैंने ज़्यादा ही डाला है। अब मैं इसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ, ये देखें। अब आपने इन सब को बेसन में मिक्स कर लेना है, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप इसमें पानी डालें। अब ये बहुत अच्छे से इसमें स्पाइसेस सारे मिक्स हो गए हैं। इसके बाद अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पानी डालते जाएं, और बहुत अच्छे से आपने इसका बैटर सा बना लेना है। ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। आप बहुत ज़बरदस्त सा ये बैटर तैयार हो गया। ये ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा ये पतला है। अब पैन में मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये गर्म होगा तो मैं इसमें फुल्कियाँ डालना शुरू कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। आप इस तरह से लेते जाएं और 1 बाय 1 इसमें ऐड करते जाएं। ये देखिए बहुत अच्छी सी ये बन जाएंगी जी। मैंने ये सब इसके अंदर डाल दिया। अब देखें, असल फुल्की की और बेहतरीन फुल्की की निशानी यही होती है कि आपकी फुल्की के ऊपर होल्स बनने चाहिए। ये है बेस्ट तरीका। ये देखिए ये ज़बरदस्त सी एक साइड से हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब ये दूसरी साइड से बनेंगी जी। अब मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। अब ये लाइट से ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको ऑयल से निकाल लूँगी। अब देखिए ये बहुत मज़े की ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इनको इस तरीके से निकालूँगी और फिर मैं डिश आउट करूँगी। उसके बाद फिर मैं इस पानी में सॉल्ट डाल के इसको पानी में फ़ौरन से ही डाल दूँगी। इस तरह से अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इनको। इस तरह से अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आया इनका जी। अब मैं ये पानी में थोड़ा सा सॉल्ट एंटर करूँगी। उसके बाद ये मैंने सारी फुल्कियाँ इसके अंदर एंटर कर देनी है। आपने इसमें सिर्फ ओनली 5 मिनट डाल के रखनी है, और पानी ठंडा होना चाहिए। गर्म पानी में बिल्कुल फुल्की को आपने अंदर नहीं डालना। चलें जी, अब मैंने ये दही ले लिया है, इसको आप अच्छी तरह से घेंट लें। तो उसके बाद घेंटने के बाद आप इसमें ये 1.5 स्पून, उसके बाद में इसमें जाएगा जी बहुत मज़े का यमी बनाने के लिए चाट मसाला। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें डाल सकती हैं। मैंने 1.5 डाला है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा स्पाइस नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर और ज़ीरा जो मैंने 1/2 बेसन में डाला था ये रखा हुआ है, उसके बाद मैं इसमें एंटर कर रही हूँ। और थोड़ा सा आप रेड चिली पाउडर भी थोड़ा सा ऐसे हसबे जायका समझ लें ऐड कर दें। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपने ऐसे पानी डाल देना है। अब आप मैं इनको आउट करने लगी हूँ। आपने हल्का सा ऐसे प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना, ताकि हमारी फुल्की बिल्कुल ना टूटे। और आपने फिर इसमें एक बाउल ले लेना जी। अब मैंने ये सारी फुल्कियाँ डिश आउट कर ली हैं। अब मैं इन पर ये प्याज और टमाटर ये मैं इन पर डाल दूँगी। उसके बाद मैं दही डाल के हमारी दही फुल्की रेडी होगी जी। अब आपने इसके ऊपर मज़ेदार चटपटा सा दही डाल देना है। आप इसको डिश आउट करेंगे, बहुत ही टेस्टी यमी दही फुल्की तैयार है। चलें जी, हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला और भी डाल दिया है। अब आप इसे बनाएं रेसिपी को, और फिर मुझे ज़रूर इसके रिव्यूज़ दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त दही फुल्की हमारी तैयार है।